कई लोग आते हैं जिनको किसी रूटीन जांच में फैटी लिवर दिख जाता है और फिर वो सोचते हैं कि कहीं उनका सिरोसिस तो नहीं हो जाएगी, कहीं आगे जाकर उनकी जान को खतरा तो नहीं हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर विनीत गौतम, लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जीवी हॉस्पिटल इंदौर से। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या फैटी लिवर जानलेवा हो सकता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि फैटी लिवर की ग्रेडिंग होती है। ग्रेड वन से लेकर ग्रेड थ्री तक फैटी लिवर होता है, ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री। अगर ग्रेड वन फैटी लिवर है तो यूजली वो जानलेवा नहीं होता है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक एजिंग भी मुख्य कारण होता है, यूजली 35-40 साल के बाद मिल सकता है। हल्का फुल्का मोटापा, हाई कैलोरी डाइट, ये सब भी कारण होते हैं जिनसे ग्रेड वन फैटी लिवर हो जाता है और वो कोई जानलेवा नहीं होता है। कई बार उसके कोई लक्षण भी नहीं होते हैं। अगर हमारा फैटी लिवर ग्रेड टू या ग्रेड थ्री में चला गया और फिर हमने उसका समय से इलाज नहीं कराया तो वो फैटी लिवर आगे जाकर नॉन एल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस में बदलता है और वो फिर आगे जाकर लिवर सिरोसिस में बदलता है। तो अगर फैटी लिवर का हम समय से इलाज ना कराएं, जो कि ग्रेड टू या ग्रेड थ्री में पहुंच चुका है और वो आगे जाकर लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाए तो वो जरूर जानलेवा हो सकता है। तो अगर हमें रूटीन जांच करने पर कभी भी फैटी लिवर मिलता है तो हम प्रॉपर लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ग्रेड वन फैटी लिवर रिवर्सिबल होता है, ग्रेड टू और ग्रेड थ्री भी रिवर्सिबल होता है, मतलब उसको वापस नॉर्मल लिवर में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसी भी ग्रेड का फैटी लिवर है, वन से लेकर थ्री तक, कुछ भी कारण है, चाहे अल्कोहल लेते हो, चाहे मोटापा हो ज्यादा, चाहे डायबिटीज हो या एज का हो, अगर आप समय से डॉक्टर को दिखाते हैं, प्रॉपर इलाज ले लेते हैं, उसके एडवाइस फॉलो करते हैं तो आपका ग्रेड टू या ग्रेड थ्री लिवर को हम ग्रेड वन या नॉर्मल लिवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप समय से इलाज नहीं कराते हैं और फैटी लिवर एक बार आपका लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो गया, फिर उसका एकमात्र इलाज लिवर ट्रांसप्लांट बचता है और उसका कोई इलाज होता नहीं है। तो किसी को भी अगर फैटी लिवर हो रहा है उसको प्रॉपर लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि वो आपकी प्रॉपर ग्रेडिंग करके प्रॉपर ट्रीटमेंट दें और आपके लिवर को भविष्य में सिरोसिस होने से बचाया जा सके। नमस्कार।